जो ये जल भरा हुआ है ये प्रेम के अश्रु से भरा हुआ है। तो राई भगवान का ये बोर्ड परिक्रमा मार्ग पे आपको लगे हुए मिल जाएंगे, ना लिखा है फिसलन शिला। तो भाई मैं आ तो गया हूँ, सही बताऊँ तो थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ये देखो। जय हो, हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। आप सोच रहे होंगे आज हरे कृष्णा कैसे, क्योंकि आज मैं हूँ ब्रज की उस पावन धरती पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने काफी लीलाओं जो है मंचन किया। जी हाँ, तो हरे कृष्णा तो बनता है। मैं इस समय हूँ कामा या कामन वन कह सकते हो आप इसको। बेसिकली ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के आज भी जो लीलाओं के साक्षात्कार जो प्रमाण है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। उन्हीं को मैं एक्सप्लोर करूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। काफी मतलब इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है। मैं दिल्ली से यहाँ कैसे पहुंचा, बाइक से आया था मैं, वो भी मैंने एक वीडियो डाली है, उसे जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। इस समय जो मैं हूँ वो हूँ विमल कुंड पर। इसको भी यहाँ पर अभी दर्शन करते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ और भी इस वीडियो में कुछ स्थान हम दिखाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर करना भूलना नहीं। राधे राधे। तो हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। प्राचीन मंदिर श्री गंगा महारानी तीर्थराज विमलकुंड कामा मंदिर। देखो यहाँ पर काफी सारे हैं, छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते हैं, कुछ पुराने होते हैं कुछ को बना दिया जाता है। देखो मिक्स रहता है, सीधी सी बात है। बाकी कुंड आप देखो काफी बड़ा कुंड है। आरती वगैरह जगह जगह पर आरती जो है दीवारों पर लिखी गई है। यहाँ से आपको नीचे जो है कुंड की तरफ जाना है तो अपना जूता चप्पल उतार के जाइए, पवित्र स्थान। धूप कड़कती हो गई है धूप भाई, सर्दियों में आना। मैं तो हमारा देखो काम है एक्सप्लोर करना, आप तक जानकारी पहुंचाना, इसलिए आना पड़ता है। लेकिन साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि भाई कब आना सही है। देखो वैसे तो भगवान के दर्शन करने अगर आपको आना ही है तो कभी भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट फिर भी अगर वेदर का थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो सर्दियां बेस्ट रहेंगी। कायदे से स्टार्टिंग यहाँ से। वैसे सिद्धपीठ श्री विमला देवी तीर्थराज विमल कुंड कामवन भरतपुर। वैसे अभी डीग में आता है भरतपुर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मंदिर होगा ना मेन, अभी दोपहर के टाइम, दोपहर तो नहीं बट बंद है। बाकी यहाँ पर जो है ना इसकी हिस्ट्री मैं आपको दिखा दूँ, बड़ी दुकान लिखी हुई। राधे राधे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में सारा कुछ। क्या नाम है जी आपका? शुभम भारद्वाज, कामवन तीर्थ पुरोहित। ये तीर्थराज विमल कुंड है और जिस स्थान पर ये स्थित है इसको बोलते हैं कामन। कामन मतलब आदि वृंदावन, आर्ध वृंदावन। ये प्राचीन वृंदावन है, गुप्त वृंदावन। अपनी ब्रज के अंदर 12 वन है और 12 वनों में कामन पंचम वन है जो कामना को पूर्ण करने वाला है। और इस स्थान का नाम है तीर्थराज विमल कुंड। ये अपने ब्रजमंडल के सभी तीर्थों का राजा है। भगवान श्री कृष्ण के मात पिता नंद बाबा यशोदा मैया की जब वृद्धावस्था थी, उनके चलना वस की नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया के लिए यहाँ द्वापर में भादव मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यहाँ 84 तीर्थ चारों धामों को इस विमल सरोवर पे बुलाया है। और जो ये जल भरा हुआ है ये प्रेम के अश्रु से भरा हुआ है। एक सिंधु देश चंपक नगरी एक राजा हुए विमल, सिंधु देश सिंध। अच्छा। नदी जहाँ से सिंध नदी निकलती है जो पाकिस्तान की साइड है। ओके। माँ के एक राजा हुए थे विमल, जिनको योग माया देवी से वरदान था कि आपके कन्या ही कन्याएं होंगी। तो उनकी 6000 रानियों से 16108 कन्याएं थी जिनका कोई पुत्र नहीं था। और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान कृष्ण की मिले। ये कन्याएं कौन सी थी कि भगवान राम जब जनकपुर गए थे सीता मैया को ब्यावे, तो माँ जो कन्याएं थी भगवान राम को अपना वर चाहती थी। लेकिन भगवान राम कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। बिल्कुल। तो भगवान राम कहने लगे कि द्वापर युग में जब मैं वासुदेव के यहाँ कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा तो तुम सारी कन्याएं राजा विमल के यहाँ पैदा होंगी, तब मैं तुम्हारे साथ प्रेम विवाह करूंगा। तो वो सारी कन्याएं राजा विमल के यहाँ पैदा हुई और प्रत्येक कन्या की अभिलाषा यही रही कि बार मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान कृष्ण की मिले। लेकिन सिंधु देश के राजा विमल ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था। तो सिंधु देश का राजा विमल कन्याओं के विवाह को लेकर बड़ा चिंतित था कि इन कन्याओं को विवाह मैं कैसे करूंगा, क्योंकि हमारे घर में जब कोई कन्या जवान हो जावे तो माता पिता बड़ी चिंता हो जावे वहां के ब्याह की। तो सिंधु देश के राजा बड़ी चिंतित रहने लगे। तो एक दिन उनके द्वार व्याकुल ऋषि पहुंचे तो राजन से कहने लगे कि राजन आप इतना चिंतित क्यों हो, एक आदि वृंदावन काम्यवन धाम है। आदि वृंदावन, पुराना वृंदावन, गुप्त वृंदावन,
जैसा कि भागवत के अंदर आता है आर्ध वृंदावन काम मनम, जो प्राचीन वृंदावन है, गुप्त वृंदावन है, पुराना वृंदावन, ये काममन ही है। वो वृंदावन 550 वर्ष पूर्व श्री हरदास जी के द्वारा बताया गया है, और ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थलीय 5500 वर्ष प्राचीन काममन, 5500 वर्ष का इतिहास है इसका, भगवान कृष्ण के समय की लीला स्थलीय क्रीड़ा स्थलीय भगवान की काममन। तो एक आदि वृंदावन काम्यवन नाम है, महाप्रभु कृष्ण की प्राप्ति होगी। माँ भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया को साथ लेकर साधुओं की टोली के साथ पधारेंगे, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो राजन कहने लगो कि जब इतने सारे साधु आएंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे कि यही कृष्ण है, क्योंकि मैंने तो कभी कृष्ण को देखा ही नहीं है। बिल्कुल। तो व्याकुल ऋषि ठाकुर जी को स्वरूप बतावे लगे राजन को कि 5 वर्ष की अवस्था है, साम्रो स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, सिर पे मुकट है, हाथ में लाठी है और पाछे श्यामा गऊ है, वो भगवान श्री कृष्ण है, वो आपको कार्य सिद्ध करेंगे। तो सिंधु देश का राजा विमल ब्रज 84 कोस परिक्रमा करता हुआ इसी आदि वृंदावन काम्यवन नाम में इसी सरोवर पे अपनी कन्याओं को लेकर यहाँ बैठा हुआ है। जब भादो मास शुक्ल पक्ष की दौज को नंद बाबा यशोदा मैया को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तो सिंधु देश के राजा विमल की दृष्टि ऐसे ही बालक पर पड़ी है जैसो व्याकुल ऋषि ने भगवान को स्वरूप बताया है। तो राजन पहचान गए कि यही भगवान श्री कृष्ण है जो मेरी कन्याओं को ओढ़ सकते हैं। तो सिंधु देश के राजा विमल ने अपनी कन्याओं को भगवान कृष्ण के चरणानुविंद में अर्पित कर दिया है, और भगवान कृष्ण ने उन सभी कन्याओं के साथ यहाँ प्रेम का महाराज किया है। तो प्रेम के महाराज में कन्याएं भगवान कृष्ण को अपना वर पाकर इतना प्रसन्न हुई कि उन कन्याओं के प्रेम अश्रुओं से इस विमल कुंड की उत्पत्ति हुई है, प्रेम के अश्रुओं से। अच्छा। और जो सारी कन्याएं थी वो केवल एक ही नाम से विग्रह थी, वो था विमला, जो ये की मुख्य मंदिर विमला देवी, राजा विमल की सबसे बड़ी कन्या विमला, जिन्हें योग माया देवी भी बोला जाता है, जिन्हें अन्नपूर्णा देवी भी बोला जाता है, जो जगन्नाथपुरी में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, यहाँ भगवान कृष्ण के साथ रास करो है। तो जगन्नाथपुरी में कृष्ण और बलराम को पीठ फेर के एक हरिजन के घर में पैदा होके योग माया के रूप में माँ भोजन खिलाए हो है, कृष्ण बलराम को भोजन खिलाया हो, इसलिए इन्हें अन्नपूर्णा देवी भी बोला गया है, इसी विमला को, जो जगन्नाथपुरी में अन्नपूर्णा देवी है। पहले जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लगता है, फिर अन्नपूर्णा देवी का महाप्रसाद लगता है जब भक्तों को दिया जाता है, तो वही विमला देवी है। ये देखो भाई साहब, और सही में मतलब जैसे लोकल लोग जो मिल रहे हैं वो तो बता रहे हैं खूब मान्यता, और होगी भी एकादशी वगैरह जैसे कि उन्होंने उस पर्टिकुलर दिन बताया है उसमें जरूर भीड़ होती होगी, नो डाउट। एक मंदिर ये शायद बाहर की साइड पे है, वरना मैं आपको दर्शन कराता। एक मंदिर ये है, ये राधे राधे जी, एक ये मंदिर है, ये नया बनाया लगता है, काफ़ी खूबसूरत है। सो कुंड के पास आपको काफ़ी जो है मंदिर मिलने वाले हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर अंदर की बुजार जी खाना बना रहे हैं, देखो ये दर्शन कर लो भगवान जी के। हाँ जी, कहाँ खूबसूरत मूर्ति है, जय श्री कृष्ण। ये कौन सा मंदिर है पुजारी जी, कौन सा मंदिर है ये? विश्वकर्मा जी है, विश्वकर्मा जी है। अच्छा, विश्वकर्मा जी है भैया, कर लो आप लोग भी दर्शन मेरे साथ, जय हो। सो दोस्तों, अभी देखिए ये हो गया कुंड, अब चलते किसी और अगले काम के मंदिर में या दर्शनीय स्थल पर। विमल कुंड के बाद दोस्तों, विमल कुंड के दर्शन करने के बाद मैं आपको देखो लेकर आया हूँ अभी भोजन थाली। क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। आप ये देखिए ब्रज 84 परिक्रमा, मैं आपको बता रहा था कि ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है उसी के मार्ग पर कामा रहता है। कामा में काफी सारे दर्शनीय स्थल हैं, पूजनीय स्थल हैं, सोनी में से एक में मैं लेकर आया हूँ आपको। और अब हम आए हैं भोजन थाली, जहाँ पर आपको मैं भगवान श्री कृष्ण जी के भोजन थाली का जो है दर्शन कराने वाला हूँ। जी हाँ, तो चलिए अंदर देखते हैं यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमें, क्या देखने को दर्शन होने वाले हैं। आप देख सकते हो सर, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पहाड़ियाँ भाई, गर्मी तपती गर्मी हो रही है बिल्कुल, क्योंकि ये महीना जो है गर्मी का ही होता है जिसमें मैं आया हूँ। बट मैं आना चाहता था यहाँ पे काफ़ी टाइम से, शायद इस बार बुलावा आ गया गर्मियों में सही, तो कोई बात नहीं, पूरा पैक है वैसे तो। अभी मैं रुमाल भी बांधूंगा मुँह पे भाई, काले पीले होने वाले पूरे। खैर चलो, ये कुछ स्थान सा नज़र आ रहा है मुझे, जहाँ पर कोई बैठने की जगह है, ये खुला सा एरिया है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, भोजन थाली से संबंधित क्या चीज़ है, कोई जानकारी मिल पाती है। दोपहर के टाइम बंद हो जाते हैं काफ़ी सारे, और धूप तपती है। ये कुछ चरण वरण से बने हुए हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण महाप्रभु पदापितम।
चरण वगैरह है कुछ। देखिए ये स्थान जो है ना डीग में आता है, डीग डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। अभी अगर खुद से आप आते हो तो सबसे बेटर है बाइक या कुछ करके, या मथुरा से गाड़ी वाड़ी कर लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर लिखा है भोजन थाली, देखते हैं क्या है। कोई पुजारी जी वगैरह होंगे तो उनसे पूछेंगे। कुछ मंदिर वगैरह नजर आ रहे हैं, लिखा है दही व माखन कटोरा। सो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ के पुजारी जी हैं इनसे जानते हैं यहाँ के स्थान के महत्व के बारे में। पुजारी जी मुझे स्थान के महत्व के बारे में बताइए, क्या क्या है यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ठाकुर श्रीनाथ जी के दरबार में ठाकुर की गौचारण लीला के दर्शन है। यहाँ पर जो दर्शन आप कर रहे हो, वासुदेव श्री कृष्ण सन्निधो गौ माता, गौ माता सन्निधो वासुदेव श्री कृष्ण, ये वो पावन भूमि है भोजन थाली तीर्थ कामन धाम की। संपूर्ण ब्रह्मांड हित में ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल ने, कन्हैया ने यहाँ गौचारण की लीला करी है। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पावन भूमि पर गौचारण की लीला कर रहे, ऊपर से ये लीला सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी देख रहे। और ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण का प्रेम देखा है गौ माता के लिए, गौ माता का प्रेम देखा है कन्हैया के लिए, तो गिरधर गोपाल मंत्र ओम इति श्री गिरधर गोपालाय नमः, ओम इति श्री गिरधर गोपालाय नमः। गिरधर गोपाल मंत्र सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी ने इसी पावन भूमि पर भगवान कृष्ण को प्रदान किया है। तो यहाँ भोजन थाली तीर्थ ठाकुर श्रीनाथ जी के दरबार में मंदिर में आपको जो यहाँ पर लीला के दर्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर ठाकुर जी भगवान कृष्ण की गौचारण लीला के दर्शन मिल रहे हैं। ओम इति श्री गिरधर गोपालाय नमः, ओम इति श्री गिरधर गोपालाय नमः। बोलिए भोजन थाली तीर्थ ठाकुर श्रीनाथ जी की जय। जय और आप सभी भक्तजनों की भी जय। बताएंगे हमें यहाँ पे देखो लिखा है अति प्राचीन मंदिर श्री भोजन प्यारी जी, दूध कटोरा दर्शन ब्रिज धाम कामवन कामा जिला भरतपुर, जो कि अब डीग में आता है। ये तो नीचे लगाई है, नीचे यहाँ तो भगवान ने ग्वाल वालन थे, नीचे भोजन किया है, ऊपर दूध पी के शयन करिए। ये क्या चीज है? ये दूध कटोरा है। अच्छा, दूध कटोरा है ये भगवान का, प्राचीन चीज है, ठीक है। साढ़े पांच हजार वर्ष पुराना कटोरा आप भगवान जी का दर्शन कर पा रहे हो, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण दूध पिया करते थे। दूध पिया ग्वाल वालन से। अच्छा, ग्वाल वालन से छिपके, ठीक है। नीचे भोजन की, अच्छा नीचे भोजन की थाली भी आपको दिखाएंगे, पहले आप इसके अच्छे से दर्शन करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री। यहाँ पर ये देखो जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये दोनों भोजन थाली है, ये भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की। ये पर्व किस चीज है जी? इंद्रसेन पर्वत। इंद्रसेन पर्वत क्या मतलब, कुछ था इसके कारण? देख रहे भोजन थाली है। हाँ जी, कटोरा बनाया गया है। हाँ जी, ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाया। अच्छा, ये पर्वत में बनाया गया बेसिकली, इसमें बैठ के फिर खाना खाया इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही पर्वत है, ठीक है। ये इंद्रसेन पर्वत है देखो ये, और इसमें जो है ना ये बनाई गई है थाली, पर्वत में ही बनाई है, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने बैठ कर यहाँ पर अपना भोजन किया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है यहाँ पर थाली व कटोरा वस्त्र का दान होता है। अच्छा, सोना चांदी का गुप्त दान कीजिए, अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कीजिए, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। दूधदार, ये सारा इंद्रसेन पर्वत है। सो दोस्तों विमल कुंड के दर्शन करने के बाद ना, और भोजन थाली के दर्शन करने के बाद, मैं अब आपको लेकर आया हूँ एक गुफा में, जहाँ पर एक राक्षस का वध हुआ था। देखो अभी मुझे नाम नहीं पता उस राक्षस का, सही बताऊँ तो यहाँ कोई दिखता है तो पता लग पाएगा, या फिर मैं कहीं से सर्च करके उस नाम को मैं आपको बता ही दूंगा कैसे ना कैसे। लेकिन ये स्थान मुझे अभी लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ चले जाओ, और भाई मैं आ तो गया हूँ, सही बताऊँ तो थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये जंगल है यार, ये मैंने बाइक यहाँ अंदर चढ़ा दी, पता नहीं कैसे चढ़ाई है, और ये मुझे यहाँ कहीं जाना है, कोई नहीं है,
दोपहर के 12:30 बज रहे हैं राजस्थान में इस तपती गर्मी में। ये पहाड़ जो है ना भाई राजस्थान के, आग उबलते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिट्टी में घूम रहा हूँ, काले जूते सफ़ेद कर दिए। अभी सीढ़ी बताई थी मुझे यहाँ पर, मैंने भाई यहीं खड़ी कर दी, कोई कह रहा था ऊपर तक ले जाओ, पता नहीं कहाँ तक। सो चलो आओ, खैर देखते हैं थोड़ा आगे चल के। मैं बाइक अंदर से ले आया, थोड़ा सेफ भी रहेगी। बाहर तो रोड पे पता नहीं था ना फिर क्या। आगे एक मंदिर सा तो नज़र आ रहा है, उस तक चल के देखते हैं, या तो कोई पुजारी या कुछ कोई तो होगा। ऊपर चढ़ाई पे चल रहे हैं हम, देख रहे हो भाई ऊपर चढ़ के आ गया। ये देखो कुछ इस तरीके से कामा नज़र आ रहा था। सांस फूल चुकी है बहुत यार, गर्मी बहुत है। लेकिन यहाँ पे मुझे गुफा नहीं मिली यार, होगी तो सही। सो मुझे लगता है भाई ये रही वो गुफा, यहाँ पर फ्लैट लगा भाई, नीचे से देखते हैं। लेकिन मुझे रास्ता मिला नहीं, ऑफ रोडिंग है शायद ये वाली, अकेले नहीं कर रहे यार, पैर वैर स्लिप हो जाए और लग जाए। ये देखो इधर अच्छा सीढ़ी है यार शायद, ओहो ये सीढ़ी मिस हो गई मेरे से और मैं ऊपर तक चला गया। आओ चलो, कोई बात नहीं, बनी हुई है भाई थोड़ी सी वैसी है, लेकिन है बिगड़ गया, ध्यान से जाना पड़ेगा। सो अंदर तो कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे अंधेरे में, बाकी यही गुफा है जहाँ बताते हैं भामासुर का वध किया था। आखिरकार पहुँच ही गए। चलो देखो नीचे वहाँ पे कहीं बाइक खड़ी करी थी, वो उधर दिख रही है मुझे, चलते हैं। ऐसे बोर्ड परिक्रमा मार्ग पे आपको लगे हुए मिल जाएंगे, जहाँ लिखा है फिसलन शिला। सो गुफा से आओगे ना आप आगे की तरफ, किसी से पूछ लेना फिसलन शिला, तो पहाड़ी के रास्ते भी चलते रहना, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर की होगी, वहाँ पे फिसलन शिला आ जाएगी। अभी देखते हैं यहाँ पर कहाँ है वो शिला, शायद ये है या आगे है, पहाड़ी पे है। लेकिन मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है ना उस पर फिसला करते थे, बेसिकली अपने सखाओं के साथ खेला करते थे, ये कह सकते हो एक वे में। ये जा रहा है, अच्छा यही है क्या, इसमें भगवान श्री कृष्ण फिसला करते थे। गर्म हो रही होगी, गर्मी है ना, बहुत गर्मी है, जूता पहन लो, कोई बात नहीं। बांग्लादेश जाए भाई परिक्रमा के लिए, क्या बात है, गाड़ी यहाँ पे गर्म है बहुत। ओके बालक कह रहा आप भी करो भाई, गर्मी की कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं फिसलते हैं देखते हैं। अरे वाह स्लिपर ही है भाई, है तो गर्म। और अरे हाँ वाह भाई वाह, अरे कृष्णा हरि बोल, अरे कृष्णा भाई। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है क्रीड़ा किया करते थे, हमने भी इसका फल प्राप्त कर लिया है। पत्थर थोड़ा गर्म है, काफ़ी स्लिपरी है। लेकिन अब जो है ना यार मैं आ गया हूँ चरण पहाड़ी पे। सो यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण के दर्शन होंगे, निशान आज भी विराजमान है वहाँ पर, आपको दिखाई देंगे, दर्शन कर पाओगे आप। सो ये ऐसे नीचे ऊपर से बाइक आ जाती है, वैसे नीचे सीढ़ी का भी एक रास्ता था मंदिर पे आने का, लेकिन मैं तो ऐसे ही आ गया। अभी चरण किस साइड है क्या नहीं आओ, इधर एक बोर्ड लगा है उस पर, बोर्ड पर देखते हैं क्या लिखा है पहले तो। तपती गर्मी भाई बहुत गर्मी है। इस वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ चार धाम के दर्शन कराऊंगा भाई साहब। आप सोच रहे होंगे उत्तराखंड, हो सकता है कईयों को तो पता ही नहीं कि यहाँ पर भी चार धाम है। मंदिर श्री चरण पहाड़ी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपको, मैं देखता हूँ, देखेंगे दिखाएंगे। प्राचीन श्री क्रीड़ा स्थल, कृष्ण जी की बंसी और बहुत कुछ लिखा है। जूते वगैरह उतार देते हैं अपना, ठंडा पानी वगैरह सब व्यवस्था है यहाँ पर। अरे यहाँ पर है जी श्री चरण पहाड़ी, और देखें कहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण जी के, राधे राधे जी दर्शन कराते हैं आपको। अच्छा इधर हैं, ये हैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरण जी, क्या चीज है ये, पंजा, अच्छा पंजा ये। क्या चीज है ये, क्या, अच्छा गाय के हैं ये, अच्छा अच्छा मतलब वो गाय के साथ जब यहाँ पर आते होंगे तो गाय चरण चराने आते थे, तो उसके चरण है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण। जय हो, जय श्री कृष्ण, आप लोग भी दर्शन करो। सो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, महत्व लिखा हुआ है इस पहाड़ी का, गोचर लीला स्थल है चरण पहाड़ी कामबन, लुक लुक कुंड में, आई थिंक यहाँ नीचे कुछ कुंड होगा जो कि अभी सूखा पड़ा हुआ होगा। श्री भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ लुक्का छिपी खेल खेल रहे थे, वहाँ से भग
भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। ग्वाल वालों ने बहुत समय ढूंढा लेकिन नहीं मिले। कृष्ण के विराम में ग्वाल वाल अपने प्राण त्यागने लगे, तब श्री कृष्ण ने पत्थर पर खड़े होकर बंसी बजाई, जिससे पत्थर कोमल होकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह बन गए। अच्छा, समझ रहे हो बात को? पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं और इस पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, जिसे सुनकर तीनों लोग मोहित हो गए। बंसी की धुन से पत्थर पिघल कर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बन गए। जिन चरणों के दर्शन के लिए ऋषि मुनि तपस्या ध्यान धरते, वही चरण श्री कृष्ण मनुष्यों के उद्धार हेतु पत्थर पर छोड़ गए। मनुष्य इन चरणों को दर्शन करके पूजन करते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्राप्त होते हैं। परिक्रमा मार्ग पर लोग भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए ना। राधे राधे। ये मयूर का चरण, ये गोमाता का चरण, ये गोमाता का चरण, ये मयूर का चरण, ये गोमाता का चरण, सबका चरण जी ने गुरु। अच्छा, तो भाई इस पे बता रहे हैं, जैसे ये मोर का चरण है, देखो इधर ये वाले गौ माता के चरण है उस टाइम के। सॉरी, इस वीडियो में आपने जो है दर्शन करे मेरे साथ, गांव में पढ़ने वाले कुछ दर्शनीय स्थल हो गए। देखो बहुत सारे हैं, ये 84 को उसकी प्रक्रिया में फिर से बता दूं, ये तो मैं कुछ गिने चुने खुद से पिक करे हुए हैं, उनके दर्शन कर रहा हूं। ठीक है, पूरी वीडियो देखी होगी आपने, आई हो। विमल कुंड, फिसलन पहाड़ी, चरण पहाड़ी तो हो ही गई, क्रीड़ा स्थल जहाँ पे वो फिसलते थे, है ना, भोजन थाली, ऐसे चीज़ों के दर्शन कराए, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी बताई। इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, लेकिन काम उनकी जो वीडियो है अभी जारी रहेगी और अगली वीडियो में आप दर्शन करेंगे मेरे साथ चार धाम के। जी हाँ, जो कि मेन रहने वाला है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। काफ़ी मज़ा आने वाला है, मैं भी काफ़ी भाई थक गया, एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए आने वाली। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं काम वन से ही। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्ण।